बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां बिलासपुर में आज बीजेपी विधायक प्रेस वार्ता करेंगे। जेपी नड्डा के बिलासपुर दौरे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 16 दिसंबर को जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचेंगे और इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। बीजेपी विधायक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बिलासपुर दौरे को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बिलासपुर में बीजेपी विधायक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप ठाकुर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, जो है जेपी नड्डा का बिलासपुर दौरा है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आज। बिल्कुल, देखिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जो जेपी नड्डा हैं वो कल हिमाचल दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिलासपुर इनका गृह जिला है, तो कल शाम को बिलासपुर पहुंचेंगे और उसके बाद 16 दिसंबर को इनका यहां पर अभिनंदन कार्यक्रम होना है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो ऐसे में उसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बड़ी बात इसमें ये है कि जो 3 राज्यों में बंपर जीत बीजेपी को मिली है, प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद पहली बार हिमाचल अपने गृह प्रदेश में लौट रहे हैं और गृह जिला में ही बिलासपुर में जो विजयपुर इनका निवास है वहां पर ये रात्रि ठहराव इनका कल होना है, तो वहां उस दौरान लोग इनसे मिलेंगे, इनका भी अभिनंदन होगा, एक बड़ी जीत के लिए इनको बधाई भी दी जाएगी। और इसके बाद ही 16 दिसंबर को ये लगभग 12:30 बजे के आसपास सुंदरनगर पहुंच जाएंगे, वहां पर भी इसी तरह का एक रोड शो होगा और अभिनंदन कार्यक्रम होगा और भाजपा का जो सुंदरनगर जिला है, संगठनात्मक जिला है, उसके नए भवन का भी इन्होंने उद्घाटन करना है और इसके बाद यहाँ पर एक जनसभा भी होगी जिसको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करेंगे और फिर मंडी पहुंच जाएंगे और यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत जो है ये यहाँ पर करेंगे और उसी दिन शाम को 5:30 बजे कुल्लू के लिए रवाना हो जाएंगे और कुल्लू में जो है 17 दिसंबर सुबह तक रहेंगे और फिर वहां से दिल्ली वापस लौट जाएंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव भी है तो उस दृष्टिगत इनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वर्करों को रिचार्ज करना है, नेताओं के साथ मुलाकातें होनी है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो संभावना ये भी है कि उस दौरान कोई कार्य समिति की बैठक या कोर ग्रुप की बैठक भी वो ले सकते हैं। हालांकि अभी इसका कोई शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन इस तरह की जब भी उनके दौरे होते हैं तो उसमें तो पूरा संगठन प्रदेश नेतृत्व वहां पर मौजूद रहता है, तो काफी महत्वपूर्ण इनका दौरा है और बड़ी बात यह है कि इनका अभिनंदन भी होना है, क्योंकि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जाता है और ये हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हिमाचल के लिए बड़ी बात है। जी जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।